हम रुक ही नहीं पा रहे। ओह स्क्रीन पे पानी आ गया। मजा आता है लेकिन नदी से अच्छा बैठे। ओह माय गॉड, जाके तट पे टकरा रहा है ना, इसीलिए वहां ज्यादा चोट लग रहा है, यहाँ सही है। ओरी ओह माय गॉड, पुरी का समुंदर। हम लोग हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी को नहा रहे हैं। हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी की ओर। आप यहाँ श्रीलंका देख सकते थे लेकिन इतना ज़्यादा दूर है जिससे बीच में कोहरा जैसा आ गया है, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं, है ना। सनराइज हो चुकी है। ओह माय गॉड, और समुद्र की लहरें डे बाय डे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। के ने सांप, ओ यार काटने वाला है क्या? ओ यार समुद्र में सांप। हाँ अरे हाँ सांप है और मरा हुआ है, मरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ मरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान इतना तेज लहर। अगर सच बताए ना, अगर आपको समुद्र की लहर की मजा लेनी है ना, तो आपको मतलब साइड में जाना होगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समुद्र की लहर उतना प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जैसे आप साइड में रहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा ही प्रभावित करती है। देखिए जिसमें ही हूँ, यहाँ पर बस धारा आ रही है और वहाँ जाकर टकरा रही है तट से, तो अगर आप नहाने आए हैं, अगर धारा का मज़ा लेना है तो साइड में चले जाए, है ना। अगर पानी का मजा लेना है तो बीच में रहे, थोड़ा सा किनारे से अंदर में, है ना। लहर का मजा किनारे में, पानी का मजा अंदर में। जाए के मन नहीं करते सब। बेगो दिखत रही है ना, तो पता लगे बेग गायब हो गए। ओ माय गॉड ये लहर। ये देखिए ये लहर आपको दिखने मिलेगी। हाँ काफी जबरदस्त रहा। ओ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। काफी तेज था ये वाला तरीके। तरीके मजा आ रहा, लेकिन यार गाइस क्या होता है, जैसे लहर आ रहा है ना, हम लोग ऊपर उठ जा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग मिड में है थोड़ा सा, है ना। पूरा साइड में रहता तो चोट लगता और धारा हम लोग को बाहर लेके चल जाती, लेकिन हम लोग मिड में इसलिए ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बस ऊपर नीचे हो रहे हैं, देख सकते हैं सबको यहाँ पर नहाते हुए, है ना। आप फोटो ले लो। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं लहर कितना जोर से उस जाके टकराई, है ना। अंकल तो लटक गए। ओ यार एक पे एक फ्री। ओ ये काफी